एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए द केरल स्टोरी फिल्म के टिकट बुक कराए हैं। गृह मंत्री ने कहा, मैंने दो टिकट दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भेजने के लिए खरीदे हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन दंगे के बाद हुए कार्रवाई से दुखी लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसे शायद दिग्विजय सिंह का दृष्टिकोण बदलेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए द केरल स्टोरी फिल्म के टिकट खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक को शांति दूत बताने वालों को द केरल स्टोरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए फिल्म के टिकट बुक किए हैं। मैंने दो टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेजा। दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंखों बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की एयर स्ट्राइक करी तो उन पे आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। मिश्रा ने कहा, कमलनाथ छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव में ही हार से बाल बाल बचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, इसलिए उनको आज भी वही दिखाई दे रहा है। उनका पिछली बार का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा था, सबने देखा। अब काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली। कमलनाथ की नारी सम्मान योजना का भी हश्र वही होने वाला है जो किसान कर्ज माफी योजना का हुआ। एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज की लाडली बहना योजना एक्चुअल है और जबकि कमलनाथ की वर्चुअल। छिंदवाड़ा की जनता अब समझ चुकी है। वैसे पिछली बार भी बाल बाल ही बचे थे, इसलिए कितनी भी चिंता कर लें छिंदवाड़ा की। नारी सम्मान योजना साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने कहा है। क्योंकि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा उनकी सरकार में बना था और वो चला गया है, तो वो छटपटाहट है, तो दिख वही रहा है। जैसे सावन माले को हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही उनको दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि उनने वचन पत्र पिछली बार जारी किया था, वो सबने देखा कि इनने पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था और बढ़ा दिए थे। सबने देखा कि इनने 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कहा था और एक का भी नहीं किया था। सबने देखा 4,000 नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, नहीं दिया था। 51,000 रुपए का कहा था और 15 महीने के कार्यकाल में एक को भी 51,000 नहीं मिले थे। तो जो झूठ का पुलंदा था, इनने कहा था कि नौकरियां और नौजवानों को नौकरी देंगे और एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दी थी। ये कमलनाथ जी की झूठ और दृष्टि पत्र वचन पत्र सब देख चुके। ये काट की हाड़ी अपनी चढ़ेगी, वहीं से शुरू करके वहीं तक रहने वाली है वो। एक प्रमुख बात और एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। माननीय शिवराज सिंह जी की योजना एक्चुअल है, 10 तारीख दी हुई है पैसे डालने की, जो बहनों के पास पहुंच जाएंगे, और इनकी तो रहने वाली वर्चुअल है। जैसे इनकी किसान फार्म भरे थे ना लाल नीले पीले हरे आसमानी, वैसे ही ये योजना रहने वाली है नीले पर हाथ। और पिछली बार जो किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों के साथ जो छल किया था, वही छल बहनों के साथ में होने वाला है। ये प्रदेश की बहनें समझ नहीं है। और लाल पीले फार्म में कमलनाथ जी ध्यान रखना, कहीं बहनें लाल पीली हो गई ना गुस्सा में, तो ये फिर आपको 2 अंकों पे भी नहीं आने देंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।